गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं और आपके क्लास 11 में भी जरूरी है या और जो 12 कर लिए हैं या कर रहे हैं तो नीट के लिए जरूरी है। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से। तो बायोमॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल चैप्टर लिविंग बी और कॉलेज बायोमॉलिक्यूल्स, तो इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इट इज पहला क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ क्रस्ट आर सिमिलर टू द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बोथ। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग में कुछ एलिमेंट हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, तो दोनों में फर्क क्या है, इस स्टेटमेंट को सही बताना है, कौन सा सही है जो जिसकी वजह से दोनों में फर्क है। तो कहने का मतलब ये है, सदियों से वेद में भी हमारे कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन से मिला पंच तत्व मिल बना सही रहा। तो जो क्षिति में है, गगन में, वायु में, जल में और ये सारे जो जितने एलिमेंट हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ एलिमेंट हमारे बॉडी में भी आते हैं, उन्हीं एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है। जैसे हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल ये सब लेते हैं, हमारे बॉडी में यूज होते हैं। कहीं कहीं प्रोटीन से हमारी बॉडी का जो है मसल्स बनता है, ब्लड बनता है और जो बाकी लिपिड है सेल मेम्ब्रेन बनता है प्रोटीन और लिपिड से। तो हमारा बेस है तमाम नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, जो बेस है शुगर है, फॉस्फेट है, इससे न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं एलिमेंट से हमारी बॉडी, प्लांट की बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिक की बॉडी बनी हुई है। एलिमेंट आपस में मिल करके जो उसके एटम है मिल करके जो है कंपाउंड बनाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, फिर तमाम सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोर गोली देन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में गोल्ड तो होता नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग में गोल्ड ज्यादा है और नॉन लिविंग में गोल्ड ज्यादा है, तो ये करेक्ट नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोर वाटर, अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यस वाटर तो है, अन्य की अपेक्षा वाटर ज्यादा है, लेकिन मोर वाटर देन नॉन लिविंग। तो आप पॉन्ड देख लें, रिवर देख लें, सी देख लें, वहां तो बहुत ज्यादा वाटर है। समुद्र में तो पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ही घिरा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वाटर तो नॉन लिविंग वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा है, लिविंग बींग के अंदर है वाटर लेकिन वहां भी ज्यादा है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें कार्बन है। प्रोटीन में भी ऐसे एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड में NH2CHCOOH, तो यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो जितने भी प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमारे बॉडी में वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा है। इसका मतलब कि सी ऑप्शन और डी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोर कैल्शियम, कैल्शियम की चट्टाने वहाँ, तो कैल्शियम बहुत ज्यादा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सही से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही बनता है बच्चों, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर यूनिट मास दैट द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग की अपेक्षा पर यूनिट मास में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यही करेक्ट ऑप्शन है। अब सेकेंड प्रश्न आपका आता है, मेनी एलिमेंट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर फ्री आर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सही में, या तो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ C6H12O6 ये कंपाउंड फॉर्म है, NH2CHHCOOH ये भी कंपाउंड फॉर्म है। तो इस तरह से एलिमेंट पाए जाते हैं फ्री फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के रूप में भी पाए जाते हैं। लेकिन इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए है सिलिकॉन, बी है मैग्नीशियम, सी है आयरन, डी है सोडियम। तो इसमें से मैग्नीशियम तो पाया जाता है, ये कई जगह कोएंजाइम का काम करता है, कैटलाइज करता है एंजाइम को। आयरन जो है हमारे हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। सोडियम तो ये बिल्कुल हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और यह जो है आयनिक बैलेंस, ये जो है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में सोडियम आयन मदद करता है। तो इसका मतलब सिलिकॉन इज नॉट फाउंड, इट इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाकी तीनों पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बच्चों है 2 का ए, सिलिकॉन। अब इसके बाद एमाइनो एसिड, तीसरा क्वेश्चन, एमाइनो एसिड है बोथ एन एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्जिलिक ग्रुप।
ऑफकोर्स एमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप हैं। एमाइनो एसिड को देखा जाए तो इसमें दो ग्रुप हैं, यह एक दो एमाइनो ग्रुप है। एमाइनो एसिड में NH2 है, यहाँ पे C, यहाँ R एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल OH। R का मान चेंज होते ही यहाँ पे एमाइनो एसिड का नाम बदल जाएगा, तो ये इसका एमाइनो ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? एमाइनो ग्रुप हो गया। और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड, तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है एक फॉर्मिक एसिड, ये तो ऑर्गेनिक एसिड है, ग्लिसरॉल ये भी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये फैटी एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड ये भी एक एसिड है, लेकिन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन यह क्या है? ग्लाइसिन एक एमाइनो एसिड है, यह प्रोटीन का मोनोमर है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ग्लाइसिन होगा, इट इज ग्लाइसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एमाइनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल सच ए फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज, यहां पे इस तरह के एमाइनो एसिड को, असल में एमाइनो एसिड क्या है, यह आयनाइज हो जाता है, अलग अलग पीएच पे अलग अलग इसके ग्रुप हो जाते हैं, इसलिए इसको ज्यूटेराइन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ज्यूटेराइन कहेंगे, ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन कब बनेगा? अब देखिए, यही अगर पीएच चेंज हो जाए तो अलग पीएच पे क्या बना लेगा, यह हाइड्रोजन इधर आ गया तो यहाँ आर, यहाँ आर हो गया, यहाँ एच हो गया, यहाँ पे सी डबल ओ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यंग एच थ्री, और यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आ गया या आयनिक फॉर्म में आ गया एमाइनो एसिड अलग अलग पीएच पे एसिडिक बेसिक मीडियम में, तो इस तरह के आयन को हम क्या कहेंगे? ज्यूटेराइनिक कंपाउंड कहेंगे। तो एमाइनो एसिड कैसा कंपाउंड है? एमाइनो एसिड कैसा कंपाउंड है? यह आयनाइज हो जाता है मीडियम में, तो यह जो है ज्यूटेराइनिक कंपाउंड है, यह ज्यूटेराइनिक कंडीशन आ गया, तो इसलिए इसको ज्यूटेराइन कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन बच्चों, द शुगर आर टेक्निकली कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, यस शुगर को टेक्निकली हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यह शुगर जो है अगर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है तो मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज माइल्टोज है तो डाइसैकेराइड है, स्टार्च है तो पॉलीसैकेराइड है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका फार्मूला CH2O, अब यहाँ पे N, N माने इसकी N का वैल्यू बदल जाए, अगर N का वैल्यू हम यहाँ 6 कर दें तो C6, यहाँ पे 6 कर दें N का वैल्यू तो क्या होगा C6H12O6, अगर यहाँ पे N का वैल्यू हम 5 कर दें तो C5, ये क्या हो जाएगा C5H10O5। अगर अब यह 6 है, यह 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तब तो 6 हेक्सा माने 6 हेक्सो शुगर हो गया, यह हेक्सो शुगर हो गया। अगर 5 है, C5 है, 5 कर गया 6 कार्बन, यह 5 कार्बन है तो यह क्या हो गया? पेंटोज शुगर हो गया, जैसे रिबोज शुगर है डीऑक्सीरिबोज। अगर यहां 4 कार्बन हो गया तो यह क्या हो गया? टेट्रोज शुगर हो गया, टेट्रोज शुगर हो गया। अगर यहां पे 3 कार्बन हो गया तो क्या हो गया? तब क्या हो गया? यह हो गया ट्राइओज शुगर, ट्राइओज शुगर। तो ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6। तो 6 कार्बन अगर है शुगर में तो हेक्सो शुगर, 5 कार्बन है तो पेंटोज शुगर, 4 कार्बन है तो टेट्रोज शुगर, 3 कार्बन है तो ट्राइओज शुगर। अब यहां पूछ रहे हैं कि अगर ग्लूकोज हेक्सो शुगर है तो इसमें से कौन सा और हेक्टोज है, हेक्सो शुगर है, तो चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों ही हेक्सो शुगर है। फ्रुक्टोज का भी केमिकल फार्मूला है C6H12O6, तो यहाँ पे फ्रुक्टोज इज ए हेक्सो शुगर। अब इथ्रोज क्या है? इथ्रोज टेट्रो शुगर, इसमें 4 कार्बन होता है, रिबुलोज में 5 कार्बन होता है तो पेंटोज शुगर हो गया, राइबोज में भी 5 कार्बन होता है पेंटोज शुगर हो गया, तो फ्रुक्टोज इज ए 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन है तो ये फ्रुक्टोज शुगर हो गया। इथ्रोज जो है टेट्रो शुगर, रिबुलोज और राइबोज 5 पेंटोज शुगर हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज एनदर हेक्सो शुगर क्योंकि इट कंटेन 6 कार्बन एटम।
अब अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन यू टेक सेल आर टिश्यू पीस एंड ग्राइंड देम विथ एन एसी इन ए मोर्टार एंड पेस्टल, ऑल द स्मॉल बायोमॉलिक्यूल डिजॉल्व इन द एसी प्रोटीन पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड आर इनसॉल्युबल इन द मिनरल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड. तो डीएनए इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ गया. द एसिड सॉल्युबल कंपाउंड इंक्लूडिंग अमाइन एसिड न्यूक्लियोसाइड्स एंड स्मॉल शुगर आर व्हेन वन एडेड टू फॉस्फेट. अब यहाँ पे एसिड सॉल्युबल कौन है, न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लियोसाइड और स्मॉल शुगर है. तो न्यूक्लियोसाइड एंड वन एडेड टू फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ेंगे तो क्या होगा. अब आप सोचिए, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड मींस बेस एंड शुगर, बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर मींस बेस क्या है, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और आरएनए है तो यूरेसिल हो जाएगा. अब समझिए एडिनिन, एडिनिन और शुगर, तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियोसाइड. अगर न्यूक्लियोसाइड में हम एक फास्फेट जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड. ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, जैसे एडिनिन शुगर ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, ऐसे ही थायमिन शुगर ये भी न्यूक्लियोसाइड हो गया, ऐसे ही ग्वानिन शुगर ये भी न्यूक्लियोसाइड हो गया, ऐसे ही साइटोसिन और शुगर ये भी न्यूक्लियोसाइड हो गया. लेकिन न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट जुड़ गया तो क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियोटाइड. और बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए बनाते हैं. तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि व्हेन वन ऐड फास्फेट ग्रुप टू ए न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में ये सारे न्यूक्लियोसाइड उसने फास्फेट जोड़ दिया तो क्या आगे बढ़ गया, न्यूक्लियोटाइड बढ़ गया. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा क्या, डी, छठा का डी, न्यूक्लियोटाइड. अब सातवां क्वेश्चन है, When we homogenize any tissue in cell in AC and acidic soluble pool represents cytoplasm. तो जब हम डिजॉल्व कर देंगे, होमोजेनाइज करके उसको एसिड सॉल्युबल पूल में, तो सारा डिजॉल्व हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब साइटोप्लाज्म बचा आपके पास, तो इट रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म. द होमोजेनाइज एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल में सारा डिजॉल्व हो गया, डीएनए तो सेपरेट हो जाएगा तो खाली साइटोप्लाज्म बचेगा. द करेक्ट आंसर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म करेक्ट आंसर इज 7 का ए. अब आठवां, द मोस्ट अवॉइडेड कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा क्या होगा, तो सबसे ज्यादा वाटर होगा, सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर होगा, वाटर. और इसके बाद नेक्स्ट है, ए होमो पॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर रिपीटेड नंबर, मोनोमर रिपीटेड नंबर है तो पॉलीमर हो गया. हेटरो पॉलीमर हैज मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, प्रोटीन आर हेटरो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ. तो प्रोटीन किसका बना होता है, आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड मिलकर के 400 प्रोटीन बनाते हैं. तो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म 400 टाइप्स ऑफ प्रोटीन. तो नवा का ए क्वेश्चन ए आंसर सही है, 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर, क्योंकि ये पूछ रहे हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन 400 तरह की प्रोटीन बनती है हमारे शरीर में, वो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब एमिनो एसिड हैं. तो 20 तरह के ऐसे एमिनो एसिड से मिलकर अलग अलग सिक्वेंस में जुड़ करके तो प्रोटीन बनती है. अब दसवां क्वेश्चन है, प्रोटीन परफॉर्म मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, प्रोटीन अलग अलग कई फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है, जैसे एंजाइम के रूप में सेल्यूलर एमाइलेज है, या फिर पेप्सिनोजन है, एंजाइम के रूप में डाइजेशन करता है फूड का अलग अलग तरह के, और इसके अलावा वही प्रोटीन हार्मोन के रूप में भी, हार्मोन जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन हार्मोन भी बना, हार्मोन भी प्रोटीन है, एंजाइम भी प्रोटीन है. तो विच आर द फॉलोइंग एडिशनल फंक्शन ऑफ सम प्रोटीन, तो एडिशनल फंक्शन क्या है, हार्मोन के रूप में काम करता है. तो सवाल का डी सही है बच्चों. अब ग्लाइकोजन इज ए होमो पॉलीमर मेड अप ऑफ ग्लाइकोजन, आप जानते हैं कि हमारे लीवर सेल में जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आती है डाइजेशन के बाद हेपेटिक पोर्टल में से, तो बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर के ग्लाइकोजन बन जाते हैं. ग्लूकोज, ग्लूकोज
एन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की उपस्थिति में लीवर सेल में किस में बन गया, ग्लाइकोजन। तो यह ग्लाइकोजन बन गया ग्लूकोज, कई ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोजन बांड से बंध करके ग्लाइकोजन बना लिए। तो एक पूछ रहा है ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ, तो मोनोमर ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज पॉलीमराइज किए तो ग्लाइकोजन, तो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ग्लाइकोजन इज होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज क्योंकि ग्लूकोज से बना होता है। तो यह जो है ढेर सारे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। अब 12वां द नंबर ऑफ इन इन द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी, तो नंबर ऑफ इन इन द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी द इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच प्लस 1, जितनी ब्रांचेज इसमें बनेंगी प्लस 1 कर लेंगे, यह हो जाएगा एंड उसके। अब द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड A1 A2 A3 A4 आपस में जुड़ते जाए, A5 तमाम सारे एमिनो एसिड जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड से, तो एक चेन बना दिया, तो इसमें कितने इन हो गए, 2 इन हो गए, इसमें 2 इन हो जाएंगे, 2 इन हो जाएंगे, 13 का ए सही 14। द एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, यस एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट है और ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन जनरल, दे रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, यस जैसे हम केमिस्ट्री लैब या लैब में कोई प्रैक्टिकल करते हैं केमिकल एजेंट को लेकर के, तब हीट करना पड़ता है तब रिएक्शन होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ही हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी में ही केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम में क्या होता है, एक्टिव साइट्स होते हैं, एंजाइम में एक्टिव साइट्स होते हैं और वो जो है कैटलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे दिया है कि व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट सेल मेडिएटेड, नॉट एंजाइम मेडिएटेड, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। अब जैसे हम वाटर हमारे ब्लड में है RBC में, जैसे CO2 आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट इसको कैटलाइज करके बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बदल देगा H2SO2, अनवेलिंग ऑफ स्टैंड ऑफ DNA, DNA का स्टैंड आपस में दोनों स्टैंड हाइड्रोजन बांड से बंधे एंडिंग थायमिन में डबल हेलिक्स वाली साइड में ट्रिपल हेलिक्स, तो बांड को तोड़ने के लिए वहाँ एंजाइम चाहिए होंगी। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, अब सुक्रोज है ग्लूकोज ऑफ फ्रुक्टोज से मिलकर बना है, तो सुक्रेज एंजाइम उसको ब्रेक करता है बांड को, तो ग्लूकोज ऑफ फ्रुक्टोज मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बांड, राइबोसोम पे एमिनो एसिड आते जाते हैं पेप्टाइड बांड बनते जाता है, तो यहाँ पे जो है ये राइबोसोम यहाँ पे मदद करते हैं यहाँ, तो यह है ऑप्शन 14 का डी आपका सही होने वाला है। यह ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सब क्वेश्चन आंसर अबाउट दिस चैप्टर, है ना। अब यहाँ पे मेडिसिन आर आइदर मैन मेड सिंथेसाइज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट बैक्टीरिया एनिमल्स एंड हेंस द लेटर आर कॉल्ड एज नेचुरल प्रोडक्ट, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त हो गया तो उसको नेचुरल प्रोडक्ट कहेंगे, समटाइम्स ए नेचुरल प्रोडक्ट आर केमिकली अल्टर्ड बाय मैन टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट, उसको अल्टर करते हैं उसके नेचर को चेंज करते हैं ताकि टॉक्सिक कम हो। राइट आंसर इज द फॉलोइंग वेदर दे आर इनिशियली ऑब्टेन एज ए नेचुरल प्रोडक्ट आर सिंथेटिक, तो पेनिसिलिन सल्फोनामाइड विटामिन सी ग्रोथ हार्मोन, तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है, सल्फोनामाइड तो मैन मेड है बनाया जाता है, विटामिन सी ए भी सिंथेसाइज होता है इस कार्बिक एसिड प्लांट में आंवला है जैसे, और ग्रोथ हार्मोन ए भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये पेंसिलिन है और विटामिन सी है ग्रोथ हार्मोन है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है सल्फोनामाइड तो बनाया हुआ है। तो बाकी इतना ही आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते लिखते रहिए, आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आपको और बाकी चैप्टर्स के, उसको देखते रहिए बच्चों।